नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट में। दोस्तों, आज मैं इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। और दोस्तों, यह पार्ट टू है। इससे पहले मैं पार्ट वन अपलोड कर चुका हूं। जिन दोस्तों ने पार्ट वन नहीं देखा है, वो प्लीज़ जाकर पार्ट वन भी देख लें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमिक रेजिस्टेंस? और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नाइक्रोम। दोस्तों, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसे हम ओमिक रेजिस्टेंस कहते हैं, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसे हम नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ओमिक रेजिस्टेंस में हमारा एनी टाइप ऑफ मेटेलिक कंडक्टर आ जाता है, और हमारा नॉन ओमिक रेजिस्टेंस में सेमी कंडक्टर आ जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ओम मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ में ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कार्बन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, H2SO4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज, और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, वीबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग AC और DC दोनों धारा को मापने के लिए किया जाता है? और दोस्तों, ये रेलवे का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भेकुआ जंक्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कैपेसिटर यूज्ड इन ए ट्यूबलाइट इज, और दोस्तों ये भी रेलवे का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पेपर कैपेसिटर। और दोस्तों, पेपर कैपेसिटर हमारा एलुमिनियम फॉयल का बना हुआ होता है, और इसका इस्तेमाल ट्यूबलाइट के अलावा इलेक्ट्रिक फैन में भी किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक रेडियो सर्किट में प्रयुक्त होने वाला कैपेसिटर है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, माइका कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर 50 माइक्रोफेराड से लेकर 550 माइक्रोफेराड तक का रेंज में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच एपरेटस द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस सेफली कैरिड आउट? और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वोल्टामीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेन मेन स्विच ऑफ द हाउस सर्किट इज पुट ऑफ इट डिसकनेक्ट? और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लाइव वायर। दोस्तों, आप ये फोटो देख सकते हैं, ये न्यू वायर कलर है और ये ओल्ड वायर कलर है। ओल्ड वायर कलर में दोस्तों पहले अर्थ के लिए वायर हमारा ग्रीन रहता था, लाइव के लिए रेड रहता था और न्यूट्रल के लिए ब्लैक रहता था। बट अब के डेट पे अर्थ के लिए हमारा ग्रीन एंड येलो होता है, लाइव के लिए ब्राउन होता है और न्यूट्रल के लिए ब्लू होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर इज ए, और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्टैटिक डिवाइस। और दोस्तों, ट्रांसफार्मर हमारा म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे कार्य करता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, AC सर्किट टू इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक ट्रांसफार्मर को DC सप्लाई से जोड़ा जाए तो, और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वाइंडिंग को जला देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता है, दोस्तों यह भी रेलवे का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, KVA, किलो वोल्ट एम्पियर। और दोस्तों, 1 KVA बराबर 1000 वोल्ट एम्पियर होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। द ब्रीथर इज कनेक्टेड टू ए ट्रांसफार्मर टू, और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हवा से नमी को हटाता है। और दोस्तों, ब्रीथर हमारा कप लाइक स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है, और दोस्तों ये हवा में मौजूद नमी को हटाता है ताकि ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल ऑयल को मॉइस्चर के इफेक्ट से वो बचा सकें। और दोस्तों, ट्रांसफार्मर में हमारा हाई ग्रेड पैराफिन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों ये आज का आखिरी सवाल है। द केमिकल सब्सटेंसेस फील्ड इन ब्रीदर इज, और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कैल्शियम क्लोराइड। और दोस्तों सिलिका जेल का भी इस्तेमाल किया जाता है ब्रीदर में। अगर कैल्शियम क्लोराइड नहीं होगा तो सिलिका जेल होगा, तो आप सिलिका जेल टिक कीजिएगा। दोस्तों ये 17 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया था, और दोस्तों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सिलेक्टेड क्वेश्चन था रेलवे का। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।